सो गाइस इट इज अ फिश आई लेंस नेम प्लेटेरो। सो इसको अभी हम लोग अनबॉक्स करते हैं। तो बॉक्स की कंडीशन थोड़ी ख़राब है क्योंकि बहुत दिनों से मैंने इसको अनबॉक्स किया नहीं था। तो पहले मैं यूज़ कर रहा था, फिर आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, इस वजह से मैंने इसको खोला नहीं था। तो ये इसके कुछ बार कोड्स है और इसके पीछे लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो इसके पीछे लिखा है इसका जो MRP कॉस्ट है वो है 3499। इसका नेम प्लेटेरो फिश आई लेंस है, मॉडल PLF प्रो करके है। तो ये आपको ऑनलाइन मिल सकता है प्लेटेरो.in या .com, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी उसके ऊपर। वो अगर मुझे मिली तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये रजिस्टर्ड है, इधर R दिख रहा है आपको, ये रजिस्टर्ड है और एकदम बेस्ट लेंस है आज तक मैंने यूज़ किया। तो मैंने सब लेंस का डेमो ले लिया था और ये लेंस मुझे बहुत अच्छी लगी। तो इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी थी, इसके ऊपर प्लास्टिक कवर था जो कि मैंने निकाल दिया। तो अब इसको खोलते हैं। तो गाइस ऐसे कुछ इसका फर्स्ट इम्प्रेशन है। तो ये बॉक्स है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, इसके अंदर लेंस है तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। और इसको आप किधर भी टाई कर सकते हैं, बहुत हैंडी है, मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी क्वालिटी। तो इसके अंदर अभी लेंस है, तो ये एकदम प्रीमियम लुक देता है। तो ये लेंस है, तो लेंस को पहले हम लोग साइड में रखते हैं और फिर देखते हैं अंदर क्या क्या है। तो इसके ऊपर भी प्लेटेरो की बैचिंग है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बैचिंग है। तो अभी देखते हैं अंदर क्या क्या है। तो इसके अंदर ये क्लॉथ मिलेगा आपको लेंस क्लीन करने के लिए, और क्लॉथ के ऊपर किधर भी बैचिंग नहीं दी है, तो एक नॉर्मल क्लॉथ है। और फिर आपको प्लेटेरो करके ये लेंस का होल्डर मिलेगा जिसे आप मोबाइल में लगा सकते हैं। तो इसके ऊपर भी एकदम फिनिशिंग बहुत अच्छी है, डिटेलिंग कंपनी का नाम और सब कुछ डिटेलिंग बहुत अच्छी है। तो ये अंदर ये दिख रहा है, ये आपको स्टील में या फिर ब्रास में मिलेगा, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। और ये जो है इसका एंगल बहुत अच्छा है, ये हिलता है अकॉर्डिंग टू मोबाइल, तो एकदम प्रॉपरली एकदम टाइट होता है। बाद में फिर इसके अंदर स्प्रिंग है इसके अंदर, आप लोग देख सकते हैं, तो अच्छी क्वालिटी एकदम। तो लेंस इसके ऊपर बैठेगा। और भी कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है शॉप का कार्ड। तो गाइस ये शॉप का कार्ड है मुंबई में बोरा बाजार में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इधर आप जा सकते हैं, आपको डिस्काउंट मिलेगा जैसे मुझे मिला है। और इसके पीछे लिख के दिया है एक रफ में कि मुझे कितने में मिला है। तो मुझे बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिला है, 2500 में मुझे लेंस मिला है, जबकि MRP 3499 है, मतलब 3500, और मुझे मिला है 2500 में। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इधर ज़रूर विजिट कीजिए। सो गाइस इसके साथ एक बुकलेट मिलेगा आपको, तो इसका मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ चाइनीज़, और इसमें दिखा है इंस्ट्रक्शंस। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको चाइनीज़ पढ़ने आती होगी तो, और फोटोज से समझ जाते हैं कि कैसे यूज़ करने का लेंस, तो एकदम बेसिक है। तो अभी लेंस की तरफ आते हैं, बॉक्स में बंद करता हूँ। सो गाइस ये लेंस है और ये इसके पीछे का कवर है। तो पहले ओवरव्यू देख लेते हैं लेंस का। तो इसके ऊपर प्लेटेरो की वापस बैचिंग मिल जाएगी। इसके ऊपर 10mm लिखा है इसके ऊपर, तो 10mm इसकी ये लेंथ 10mm तक है, ज़्यादा वाइड नहीं जाता, उसके पीछे का फिर ब्लर दिखेगा। और 10mm है और 10mm लेंस। ये इधर प्लेटेरो का लोगो है इधर। और ये जो है ये हमारे इसमें लग जाएगा, तो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ इसके होल्डर में। तो ये जस्ट आपको इसमें लगा के पहले रॉन्ग साइड में घुमाने का है, फिर राइट साइड में घुमाने का है, ये टाइट हो जाएगा।
पूरा टाइट हो गया, फिर ऐसे कनेक्ट हो गया इससे। अभी मैं आपको ये खोल के दिखाता हूँ कैप। तो ये लेंस है, तो ये मैं यूज़ कर रहा था इसके लिए, जिसको साफ करके आपको दिखाता हूँ। ऐसी लेंस है, तो ऐसी लेंस है, तो इसके ऊपर लिखा है आप देख सकते हैं शीशा प्रो। सो गाइस ये 170 वाइड लेंस है, 170 डिग्री, और इसकी कॉस्टिंग हो गई है, अनबॉक्सिंग हो गया, सब कुछ हो गया। तो अभी इसके टेस्टिंग के ऊपर जाते हैं, तो टेस्टिंग के कुछ वीडियोस दिखा तो सैंपल सर। सो गाइज अभी मैंने सेल्फी स्टिक में कैमरा लगाया है, और अभी शाम के हो रहे हैं 6:30, तो सनसेट होने वाला है। तो इससे अच्छा लोकेशन कौन सा हो सकता था टेस्टिंग के लिए, इसके लिए हम लोग यहाँ पे आ गए टेस्टिंग के लिए, मैं और सितिज। तो ये अभी मैं शूट कर रहा हूँ, ये विदाउट लेंस शूट कर रहा हूँ आईफोन के फ्रंट कैमरा से, और अभी लेंस लगाते हैं। सो गाइज अभी लेंस लगाया है, तो आप लोग देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। तो अभी मैं एक्सपोजर थोड़ा कम करता हूँ। तो गाइस अभी लेंस लगा दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। और हम लोग अभी खानदेश्वर रेलवे स्टेशन के यहाँ पे शूट कर रहे हैं, और मैंने कैमरा पास में ही पकड़ा है, लेकिन तो भी बहुत ज़्यादा दूर लग रहा होगा। तो अभी मैं क्षितिज को थोड़ा सा ये साइड में लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे ये डिस्टॉर्शन हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन इन द एंड पूरे एंड्स तक डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा है। मैं पूरा उंगली उधर तक लेके जा सकता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा इतना, और क्लियर भी है, इतना ज़्यादा फट रहा नहीं है, पूरा एकदम गोप्रो जैसे हो रहा है। 170 डिग्री वाइड होता है, 10mm की लेंस है, और अभी मैं ये निकालता हूँ लेंस, आपको फ़र्क समझेगा। तो गाइस सेम इसके ऊपर पकड़ा है मैंने, और ये लेंस का कमाल है सब। तो लेंस का मैं सिनेमेटिक्स भी दिखाने वाला हूँ आपको, तो इसके अभी तो गाइज अभी मैं फ़ोटो खींच के बताता हूँ आपको कि ये कैसे वर्क करता है फ़ोटो में। और फुल हम लोग रेडी होके आए हैं, तो फ़ोटो खींचते हैं। सो गाइज नाउ आई एम शूटिंग एट 4K, और अभी मैं लेंस लगाता हूँ रेयर कैमरा को। सो गाइज अभी मैंने लेंस लगा दिया है, और अभी आप देख सकते हैं कितना वाइड दिख रहा है। और वैसे हाथ रखो एक बार, तो उसने स्ट्रेच कर दिया हाथ, और अभी मैं लेंस निकाल के बताता हूँ। तो हाथ कट गया, हाथ कट गए और हाथ वापस आ गए। सो गाइज इतना फ़र्क है इस लेंस में, और अभी सनसेट भी एक अच्छे से शूट करूँगा, तो अभी लेंस निकाल के दिखाता हूँ, तो ऐसा कुछ है। तो अभी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। तो गाइज अभी शूट करके हो चुका है, और अभी हम लोग जाने वाले हैं घर। सो गाइज अभी इधर तक देख लिया होगा, तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको लेंस अगर परचेस करनी होगी, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दे दूंगा मैंने कहाँ से लिया था लेंस, तो उधर जाइए, आपको ज़रूर डिस्काउंट मिलेगा। और मैं क्या बोलने वाला था, तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके कुछ क्वेरीज होंगे तो नीचे कमेंट डाउन कीजिए। और मैं और क्षितिज इधर आए थे, तो थैंक्स अ लॉट। और मतलब हम लोग ऐसे घूमते रहते हैं, तो सोचा ब्लॉग करते, आज दिन भी बहुत अच्छा था, और बहुत दिनों से आप लोग बोल रहे थे कि रिव्यू चाहिए करके लेंस के ऊपर, अनबॉक्सिंग और रिव्यू और परचेज कैसे किया। तो मिलते फिर अगले ब्लॉग में, बाय, पीस।